दोस्तों बजट तो आ गया, लेकिन बजट के नाम पे सरकार ने 24 लाख बीमा एजेंटों को और कस्टमर को एक लॉलीपॉप दिखा दिया है, यानी ठेंगा दिखा दिया है, कुछ खास किया नहीं। अब आप बोलेंगे नहीं रवि जी, हमने बहुत सारे वीडियो देखे, उसमें लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा बजट है, बीमा बिजनेस ग्रो करेगा, ये होगा वो होगा। देखिए आपने कितने वीडियो देखे हैं वो आपको पता है, लेकिन मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं बहुत रिसर्च के निचोड़ के, और आपको पता है मैं जब कोई बात बोलता हूं तो गहराई तक जाता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद में जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैं सवाल पूछने वाला हूं सरकार से, आपकी खोपड़ी हिल जाएगी और आप बोलेंगे कि मैंने ऐसा वीडियो आज तक बजट के ऊपर देखा नहीं है। क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूं दोस्तों तो गहराई तक जाता हूं। मैं चाहता ये वीडियो जिस दिन बजट आया था उसी दिन बना देता है, लेकिन मैंने अपना रिसर्च किया है और आपके लिए, एक कस्टमर के लिए, एक एजेंट के लिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि सरकार के कान बाज जाए। देखिए बात यह है कि जब तक अंदर से सुधार होगा नहीं, कुछ होने वाला नहीं है, तो ये वीडियो मैं आपको क्या बताने वाला हूं। पहली बात, जो सरकार ने लॉलीपॉप दिया है, वो लॉलीपॉप जो एजेंट को और कस्टमर को दिया है, जिसके लिए लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा कि वो कुछ नहीं है। दूसरी बात मैं फिर बताऊंगा, जो मेरे पांच तीखे सवाल हैं आपके बिहाब से, एक एजेंट के बिहाब से और एक कस्टमर के बिहाब से देने वाला हूं, सरकार से सवाल पूछने वाला हूं, वो सवाल सुन के आप बोलेंगे यस। और फिर मैं, अगर आप एक एडवाइजर हैं तो इस समय इस बजट की हालात में क्या करना है ताकि आपको जो बिजनेस है ग्रो करे, क्योंकि बजट आ गया है वो बदलने वाला नहीं है, इस हालात में कैसे बिजनेस ग्रो करना है, इसीलिए बहुत ही प्रैक्टिकल और जानकारी वाला वीडियो है, सोच समझ के बना रहा हूं। आपको इसको देखना है, समझना है और अपनी आवाज उठानी है। इस वीडियो की आवाज ऐसी उठाइए कि ये बात सिर्फ आईआरडी के चेयरमैन जो मिस्टर पांड्या जी हैं और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन जी हैं, उन सबके पास ये बात पहुंचे ताकि इसका भला हो सके। अगर आप पहली बार हैं, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मेरा नाम है रवि सिंचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फोर्च सिस्टम। इंडिया में अगले 5 साल में बीमा इंडस्ट्री को इंप्रूव करना है, मिस सेलिंग हटानी और 1 लाख लोगों के जीवन को बदलना है, इस मिशन के तहत मैं सारे वीडियोज और जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम में करता हूं। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करिएगा इसमें कि आपको क्या बात अच्छी लगी, और सवाल जरूर पूछेगा जो मैं पूछ रहा हूं। पहला, क्या लॉलीपॉप दी है सरकार ने, पहले सुनिए कस्टमर के लिए। आजकल बड़ा चल रहा है कि पहले जो इंश्योरेंस कस्टमर जब पॉलिसी कराता था तो एक शब्द होता है टीडीएस, है ना, तो ये आ रहा है कि पहले ये टीडीएस कस्टमर की जेब से 5% कटता था। पहले ये जान लो ये टीडीएस कटता कौन सी पॉलिसी में है। भैया जो पॉलिसी 1010D के तहत है, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इसके 1010D के तहत आती है, वहां कोई टीडीएस नहीं कटता है। तो कौन सी पॉलिसी में टीडीएस कटता है, जो पॉलिसी 1010D के अंतर्गत नहीं है, जैसे पेंशन प्लान हो गए या जो एनुटी वाले प्लान हो गए, वहां पे 1010D की नहीं लगता। तो ये 5% टीडीएस कटता है, कब कटता है, जब साल का बोनस या साल का अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा होता है। बात समझ आपको आ रही है। मान लीजिए मैंने कोई पॉलिसी कराई और मैंने कोई पॉलिसी ली, इंश्योरेंस एनुटी प्लान लिया, और मेरा साल का बोनस है 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, ठीक है, तो 5% टीडीएस कटेगा, कितना हुआ, 7,500 रुपए। आई बात समझे। अब ये 5% होके सरकार ने 2% कर दिया, तो कौन सा तीर मार लिया यार। कितने ऐसे लोग हैं जिनका साल का बोनस 1 लाख से ऊपर होता है, और ज्यादा करके जो बीमा दोस्तों पॉलिसियां होती हैं वो 1010D के अंतर्गत होती है। तो 5% जहां गिनती हजारों में है, 10,000, 5,000 है, वहां 5% और 2% में कौन सा इतना फर्क पड़ गया। और ये टीडीएस तो कस्टमर वैसे ही वापस ले लेता है, तो इसमें इतना हल्ला मचाने क्या, जो तो बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, कस्टमर की जेब में बहुत पैसा, कोई ज्यादा पैसा जाने, प्रैक्टिकल देखो ना यार। सरकार को डेटा मालूम है, सरकार को सब पता है, वो जानबूझ कैसे काम करती है। तो पहला जो दोस्तों कस्टमर को जो टीडीएस कटता था 5%, अब वो 5 ना कट के 2% कटेगा। अब आप बताइए सरकार ने इसमें लॉलीपॉप खिलाया है कस्टमर को, ये आप बताइए, आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए लॉलीपॉप है कि नहीं है। ये हो गया कस्टमर के लॉलीपॉप। अब एज ए एडवाइजर, एज ए अभिकर्ता, आपको सरकार ने क्या लॉलीपॉप दिया, आप भी सुन लीजिए। सेम लॉलीपॉप जो किया कस्टमर को, वही आपको पकड़ा दिया। अभी जो एजेंट भाई आप लोग हैं, आपको जो कमीशन आता है, अगर साल का कमीशन 15,000 रुपए से ज्यादा होता है, जो सबका होता है, तो कंपनी सरकार 5% टीडीएस काटती है। मतलब अगर आपका 1 लाख रुपए कमीशन है महीने का, तो 5,000 रुपए टीडीएस कटेगा। अब वो 5,000 ना कट के भैया कितना कटेगा, 2,000 रुपया। एक बात तो मुझे जवाब दीजिए, आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान के अंदर
ऐसे कितने बीमा एडवाइजर हैं जिनकी महीने की इनकम 1,00,000 रुपए है? कितने होंगे? 1% होंगे दोस्तों, 1%। ये डेटा है, 24,00,000 एडवाइजर रजिस्टर्ड है, उसमें दोस्तों 1-1.5 लाख से ज्यादा नहीं कमाते लोग पैसा। यानी 1,00,000 एडवाइजर मुश्किल से होंगे, 1% एडवाइजर होंगे जो 1,00,000 रुपए कमाते होंगे। और जब 1,00,000 यहां कमीशन नहीं आ रहा, महीने में 40-50,000 में काम चल रहा है, ज्यादा खरी एडवाइजर होगा। अगर आप 50,000 रुपए महीने में कमाते हैं तो 50,000 में भी 2,500 कट रहा था आपका, अब 1,000 रुपए कटेगा, तो ऐसा कौन सा तीर मार दिया सरकार ने भाई? क्या कर दिया है? सोच के देखिए, क्या ये लॉलीपॉप है कि नहीं? जहां इनकम करोड़ों में है, किसकी? बीमा ब्रोकर, कॉर्पोरेट एजेंट, बैंक का इंश्योरेंस, इनकी बात छोड़िए, इनकी इनकम करोड़ों में है यार। आप कितने करोड़ कमाते हो? आप साल में कितने लाख कमाते हो? ये लॉलीपॉप है कि नहीं है? आप जवाब दीजिए। अगर इस बात से एग्री करते हैं तो लिखिए लॉलीपॉप। अब आते हैं वो तीखे सवाल जो मैं पूछ रहा हूं आपके बिहाफ से, सरकार से। और उसके पहले सुन लीजिए, सरकार ने कैंची कहां चला दी है जो नहीं करना चाहिए। देखिए सरकार ने क्या किया है, अभी जो यूलिप लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, पहले नियम यह था कि यूलिप अगर पॉलिसी कराई है आपने तो 2,50,000 तक का अगर सालाना प्रीमियम है तो कोई आपको मैच्योरिटी पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर 2,50,000 के ऊपर है तो मैच्योरिटी टैक्स होता था 10%, जिसको बोलते लॉन्ग टर्म LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन अब सरकार का पेट इतने से नहीं भर रहा, तो सरकार ने क्या किया, इसी 10% को बढ़ा के 12.5% कर दिया। मतलब अगर आपने 2,50,000 तक कर लिया तो ठीक है, जैसे ही आपने 2,50,000 से ऊपर प्रीमियम बढ़ाया, सरकार बैठी है एक साल के ऊपर, जैसे ही आपका इनकम बढ़ेगा सरकार 12.5% का चूना लगा देगी आपको। मतलब ये कह रही रख ली कि यूलिप में 2,50,000 रुपए से ज्यादा मत लगाना, ये सरकार ने कर दिया। बताइए इस करने क्या हो सकता है? तो ये सरकार ने गलत किया यहां पे, यानी कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म जो है वो यूलिप के ऊपर 12.5% कर दिया। हाँ, ये कब लगता है? जब उसकी साल की इनकम 1,00,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगी, जो यूलिप पॉलिसीज में अगर प्रीमियम ज्यादा है तो होती है। तो ये कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया सरकार ने, जो कि कैची चला दी। अब सवाल ये होता है, तो फिर कौन से वो सवाल है जो सरकार से मैं पूछता हूं आपके बिहाफ से, ठीक है? और बहुत ही शानदार सवाल है, जो जिससे एक्चुअली में फर्क पड़ता है एक कस्टमर की जेब में और एजेंट की जेब, जो करना चाहिए था वो नहीं किया, ध्यान भटा दिया। मतलब ये है कि असली जो खेल है वो सरकार ने नहीं किया, केवल घुमा दिया बात को, लॉलीपॉप दिखा दिया। पहला सवाल सरकार, जो पहले मैंने वीडियो बनाया था कि बजट में ये 5 बदलाव हो सकते हैं, लेकिन तो दुर्भाग्यवश हुआ नहीं हुआ, ये अफसोस है। पहला सवाल सरकार से, क्या सरकार को ये बात दोस्तों पता नहीं है कि सरकार करोड़ों अरबों रुपए बीमा के प्रीमियम से GST के ऊपर चूना लगाती है? मैं तो सीधे बोलता हूं चूना, हाँ बिल्कुल चूना ही है, और क्या, 18% का सरकार GST का चूना लगाती है, पेट भरता नहीं है सरकार का, 18% सीधे खा जाते हैं। किसका पैसा है? कंपनी नहीं देती है, कस्टमर देता है। अब ये सरकार को बात मालूम है कि कस्टमर को ये बात चुभती है, और जब कस्टमर को बात चुभती है तो कस्टमर कई बार देखता है 1,00,000 का प्रीमियम और साला 18,000 रुपए, फ्री के थोड़ी 18,000 रुपए ना, नहीं कराता भैया, कुछ और कराऊंगा, सोच के बताता हूं। नुकसान कस्टमर का भी हुआ और बीमा एडवाइजर का और बीमा कंपनी का भी हुआ। दोस्तों 18% GST टैक्स लग रहा है, क्या सरकार इस टैक्स को कम नहीं कर सकती क्या? ये पहला सवाल है, आप पूछिए, क्या आपके हिसाब से सरकार को टैक्स नहीं कुछ तो 18% से 5% कर दे यार, क्या हो जाएगा? यहां से कम कमा लो, क्या नुकसान हो जाएगा? अरे हवाई जहाज का किराया बढ़ा दो यार, जो लोग विदेशों में शादियां करते हैं अपने बच्चों की, उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दो यार। पहला सवाल सरकार को करना चाहिए या नहीं, आप बताइए। दूसरा सवाल सरकार से, यह है असली मुद्दा जिसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता है, ठीक है? अब देखिए, अभी जो हमारा ATC लिमिट है, आप सबको पता है ATC में लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आता है, PPF आता है, दुनिया भर की बातें आती हैं। मैं सरकार से पूछता हूं, क्या सरकार अलग से 1-2 लाख रुपए का साल का, 2 लाख रुपए साल का, क्या सरकार सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अलग से टैक्स का प्रावधान नहीं बना सकती क्या? अरे अगर बना देगी 2 लाख रुपए केवल और केवल आपको लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम में छूट मिलेगी, सीधा आपकी इनकम से माइनस हो जाएगा।
क्या सरकार कर सकती है? नहीं कर सकती है, लेकिन करते नहीं है। अगर ये कर दे तो आप अगर एक कस्टमर हैं तो आप बताइए आप करेंगे नहीं करेंगे, आप इन्वेस्ट करेंगे? मैं आपसे एज ए कस्टमर पूछ रहा हूं, एब्सोल्युटली करेंगे यार, क्यों नहीं। लेकिन वो एटीसी में दुनिया भर की चीजें, लोगों का पीपीएफ ही इतना कट जाता है तो बचते नहीं। तो क्या सरकार को करना चाहिए या नहीं, सवाल पूछ रहा हूं। इस वीडियो को फैलाइए, इतना फैलाइए, इतना फैलाइए कि आईआरडीए के चेयरमैन, एलआईसी के चेयरमैन और जितने इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ हैं ये सब इकट्ठे हो जाएं और सीतारमन जी के पास जाएं जो हमारी माननीय वित्त मंत्री हैं और ये मांगे पूरी करा ले, सबका भला हो जाएगा। ऐसा वीडियो आपको कहीं देखने को मिलेगा, इसलिए बोलता हूं मैं गहराई में जाता हूं और दिल खोल के बोलता हूं जनता की भलाई के लिए। दूसरा सवाल ये हो गया कि सरकार को अलग से बीमा इंडस्ट्री के लिए कुछ टैक्स के रखना चाहिए नहीं। तीसरा सवाल सुनिए बहुत ध्यान से, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है पहले इसको शेयर कर दीजिए, कर भला तो हो भला, अभी तुरंत शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बोले और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आते तीसरे सवाल पे, पिछले साल अभी जुलाई की बात है जब सरकार ने एक नया नियम लगाया था, बहुत बड़ा ऐतिहासिक बीमा इंडस्ट्री के खिलाफ डिसीजन लिया था। सरकार है कुछ भी कर सकती है, क्या डिसीजन था दोस्तों, 5 लाख रुपए से ज्यादा का अगर प्रीमियम आपने बीमा कंपनी को दिया तो सरकार कहती हम डंडा चलाएंगे, हम मैच्योरिटी तुमसे पैसा खींच लेंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले जितना मर्जी लगाना है नहाओ खुलना नहाओ, मेरा पैसा है मैं कहीं लगाऊं। लेकिन दोस्तों सरकार ने क्या किया, नहीं 5 लाख के ऊपर लगाएगा एक पैन नंबर पे तो मैं मैच्योरिटी टैक्स ले लूंगी। अच्छा जी क्यों किया भाई, एक तरफ कहते 2047 तक पूरे हिंदुस्तान को इंश्योर करना, देखिए जब तक बीमा इंडस्ट्री में अमीर लोग पैसा नहीं लगाएंगे, बीमा इंडस्ट्री से ही बड़े बड़े हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार के पेजेस चलते हैं। वॉरेन बफेट ने जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लगा के पैसा बनाया है, लॉन्ग टर्म गेम है। आप एक तरफ कह रहे हो 5 लाख से ऊपर मत लगाना, क्यों भाई आपने ऐसा कब बोला कि अगर रियल एस्टेट पैसा लगाएगा और तो ठीक है वहां पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि अगर तेरी प्रॉपर्टी 10 करोड़ की होगी तो मैं अलग से मैच्योरिटी टैक्स दे लूंगा, ऐसा बोला क्या, नहीं बोला ना आपने। प्रॉपर्टी खुलेआम, सोना खुलेआम, सब कुछ खुलेआम, बीमा के ऊपर क्यों आप बैठे हो, क्या गुनाह कर दिया भाई, क्या गुनाह कर दिया? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या सरकार को खुला कर देना चाहिए भाई तू 5 लाख लगा, 10 लाख लगा, 20 लगा, तेरा पैसा है ना। अच्छा बीमा इंडस्ट्री में नंबर एक से पैसा आता है, पैन नंबर से लगता है, कैश चलता नहीं है तब भी प्रॉब्लम है, और जहां रियल एस्टेट में पूरा कैश ही गलता है वहां प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब अब सबको पता है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में 50% तो कैश ही होता है, सारा काला धन जाता का है रियल एस्टेट में, सरकार को मालूम है इस बात को, लेकिन कोई कहता नहीं है, क्यों, अंडरस्टूड है, चलता है। ये नेगेटिव वीडियो नहीं है, ये प्रैक्टिकल वीडियो है, आंखें खोलने वाला वीडियो है, मैं बना रहा हूं जनता के लिए। चौथा सवाल, क्या इन सवाल से अगर आपको मजा आ रहा है तो तुरंत शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे सवाल मिले। चौथा सवाल, ये सबको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री भारत में आने वाले 10 साल में करीबन $200 बिलियन की हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, भारत दुनिया की सबसे तीसरी टॉप इंश्योरेंस मार्केट बनेगा, ये डाउट नहीं होगा। और सबको पता है जितनी भी यहां बीमा कंपनियां ऑपरेट कर रही सब प्रॉफिटेबिलिटी में है, तो क्या आईआरडी और सरकार मिलकर ऐसा नियम लगा सकती है कि भैया तुम साल में करोड़ों 100, 200, 300 करोड़ रुपए कमाते हो, आप जितना कमाओगे उसका 10% केवल एजेंट और अपने स्टाफ की ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करोगे, अगर आपने 100 करोड़ कमाए तो 10 करोड़ घर मत ले जाओ, 10 करोड़ एजेंटों के एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, उनकी डेवलपमेंट में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर देखो कैसे सुधार होता है। हालांकि एलआईसी ने इसको पर काम किया भी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये अगर नियम लगा दे सरकार, हे बीमा कंपनी चलाते हो बहुत पैसा कमा रहे हो, हाँ कमा रहे हो, जिसके द्वारा कमा रहे हो एजेंटों के द्वारा सिखाओ उनको, उनके बच्चों को ट्रेनिंग दो। बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो इतना पैसा नहीं कमाते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते। आप एक कंपनी के 5 साल से एजेंट हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, कंपनी अपने प्रॉफिट को शेयर बचा के आपके और आपके बच्चों के एजुकेशन का नहीं कुत्ता 50% दे सकते हैं, लेकिन सरकार कहेगी तब देंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना प्रॉफिट नहीं कम कर, ये इतना ज्यादा कलयुग में पैसे का लालच हो गया है कि आदमी बस ले आओ, सब लाला बन गए, कोई देना नहीं, सब लेना चाहते हैं। वो दिखाते हैं वीडियो में, हमने इतना चैरिटी किया, फलाने एनजीओ, फलाने फाउंडेशन,
वो दिखाने के दांत हैं। रियलिटी में अगर करना चाहे ना तो कर सकते हैं, लेकिन कहने वाला नहीं। चौथा सवाल, क्या इस बात से एग्री करते हैं कि सरकार को 10% ट्रेनिंग में खर्च करवाना चाहिए या नहीं? और पांचवा सवाल जो मैंने बताया था कि आपने मोटर इंश्योरेंस को कर रखा है मैंडेटरी, हाँ भैया गाड़ी लेके आया चल बीमा कटा कटा, आपने हेल्थ इंश्योरेंस का क्यों नहीं किया कंपलसरी? ठीक है सरकार एक वो दे रही है हेल्थ इंश्योरेंस सबको, वो अलग बात है, जो लोग नौकरी करते हैं उनको आप मेडिक्लेम क्यों नहीं कंपलसरी करते? है भैया तेरे को 5 लाख रुपए की मेडिक्लेम करानी है, अगर सिंगल है, अगर परिवार सुद्धा है 10 लाख करानी पड़ेगी। टर्म प्लान है 1 करोड़ से 5 करोड़ का टर्म प्लान लेना पड़ेगा, सरकार का नहीं लेगा डंडा चलाओ इसके ऊपर, डबल टेल एप्लाई नहीं लगाओ। किसका भला होगा? जो आदमी कराएगा, करोड़ की बात हो गई, बीमार हो गया अस्पताल में पैसा नहीं लगेगा उसका, बेचारा दुनिया चला गया परिवार से, नहीं तो होता क्या है, चला गया सरकार परिवार सड़क पे है। अरे यहां तो ये हालत है कि हमारे देश के कई सारे जवान बेचारे शहीद हो जाते हैं और बाद में उनका परिवार जो धक्के खाता है सरकार के पास में उनको मिलता नहीं है, ये बड़ी अफसोस की बात है, कड़वा सच है यार। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी गई। अगर सरकार नियम लगाते भैया ये करना पड़ेगा, लोग कराएंगे, इधर कस्टमर का भला, एजेंट का भला और कंपनी का भला, और सरकार के पास टैक्स तो जीएसटी वाला जाएगा ही जाएगा। ये जो मैंने 5 सवाल पूछे हैं, इन सवालों से आप एग्री करते नहीं करते बताइए? आपने ऐसा वीडियो देखा यूट्यूब में अब तक? मैं अपने व्यू दे रहा हूं जिससे भला हो सकता है, उद्धार हो सकता है। अब सवाल आपसे पूछता हूं कि इनमें से कौन सारे सवाल आप एग्री करते हैं और आप कौन से सवाल पूछने चाहते हैं सरकार से, और इस वीडियो को इतना शेयर करो, कमेंट करो ताकि लोग इसको एग्री करें और इसको देखो समझो ताकि इससे आपकी जो चेतना वो जागे। अब आते हैं एज ए एडवाइजर, एज ए एजेंट आपको करना क्या है। उसके पहले मेरी आपसे बहुत सिंपल इन्फॉर्मेशन है, अगर आप एक एडवाइजर हैं और इस इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर देखते हैं, देखती हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम किया था नहीं किया, करना चाहते हैं, रिटायर हो गए हैं, कुछ नया अपने मुकाम पे करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रास्ता चाहिए, सिस्टम चाहिए, ट्रैक चाहिए और ऐसे आदमी का हाथ पकड़ना है जिसको पता है क्या कर रहा है, जिसका मिशन है। दोस्तों मैंने फोन टू फोर्च सिस्टम बनाया इसीलिए है कि मैं गाँव गाँव तक आम आदमी तक जाकर उसका हाथ पकड़ के इस बिजनेस सफल बना सकूँ। इसीलिए मैं उस सिस्टम के अंदर आपको देता हूं राइट माइंडसेट, लगातार कैसे काम करते हैं, सवाल कैसे पूछते हैं, प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल तरीके से कस्टमर कैसे बनाते हैं, आपकी जानकार अगर भाव खाए पॉलिसी ने बेचे उनको साइड करके आप अनजान मार्केट में कैसे अपनी मार्केट खोल सकते हैं, ये सब मैं सिखाता हूं फोन टू फॉर्चून ट्रेनिंग के अंदर। और हजारों लोग जुड़ के दोस्तों इससे जुड़े हैं, पैसा कमा रहे हैं और मजे की बात यह है कि गांव गांव शहर शहर मेट्रो हर जगह पहुंच रहा है, कई सारे कंट्रीज में है। 10,000 रुपए दोस्तों इसकी साल की फीस है, 9,997 रुपए अभी ऑफर में 997 का ऑफर दे रहा हूं आपको लिमिटेड टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए, जिससे मैं दोस्तों आपको ऑनलाइन वीडियो देखता हूं, 2 साल की 1 ईयर की लाइव ट्रेनिंग, 1 ईयर की 2 महीने में लाइव ट्रेनिंग होती है, सारे टूल्स देता हूं, मेरे सारे टूल्स फ्री होते हैं और सबसे बड़ी बात 21 दिन का मनी बैक गारंटी देता हूं, ना अच्छा लगे टेक योर मनी गो बैक। तो दोस्तों क्या करना चाहिए, क्लिक इन द लिंक राइट नाउ, ज्वाइन कीजिए और आइए और देखिए कैसे आपका बिजनेस आपकी लाइफ इस सिस्टम में बदलती है। थैंक यू वेरी मच। अब बात करते हैं एज ए एजेंट करना क्या। पहला काम ये करना है कि आपको बजट के नाम पे 24 घंटे फलाने चैनल ढिकाने चैनल में टाइम वेस्ट नहीं करना, जो होना था हो गया, काम करो, फोकस ऑन योर वर्क, दैट्स इट। दूसरा काम, इस जानकारी को स्प्रेड करो, जो मैंने सवाल पूछे हैं वो आपके लिए है, कस्टमर के लिए है, कर भला तो हो भला, अपने कस्टमर को जागरूक करो कि नया नियम क्या आ गया। और तीसरा काम करना है फोकस ऑन यूलिप। बोलो सर 2.5 लाख के ऊपर टैक्स है तो कस्टमर को 2.5 लाख तक की पॉलिसी यूलिप दो, सेल यूलिप, अगले 1 महीने यूलिप लेने फोकस करो और देखो आपकी सेल्स कैसे बढ़ती। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो टेक केयर, जरूर कमेंट्स करें क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। गॉड ब्लेस।